भारत धीरे धीरे अपनी रक्षा प्रणालियों में सुधार कर रहा है। इस दिशा में स्मार्ट ग्लाइड बम भारतीय वायुसेना के लिए मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। भारत ने पिछले महीने 17 अगस्त को जैसलमेर में पोखरण फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक इन बमों का खुफिया परीक्षण किया। इस परीक्षण के बाद DRDO अब स्मार्ट ग्लाइड बम खुद भारत में बनाएगा। गुरुथमा और करुण नाम के दो ग्लाइड बम को रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग यानी DRDO द्वारा भारत में ही बनाया जाएगा। गरुड़, जो कि एक बिना पंखों वाला ग्लाइड बम है, को 30 किलोमीटर दूरी की रेंज पर टेस्ट किया गया, जबकि ड्रॉप ट्रेल के दूसरे सेट में गरुड़ और गुरुथमा दोनों का सुखोई 30 MKI विमान से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। 1000 किलोग्राम वजनी स्मार्ट ग्लाइड बम गुरुथमा का परीक्षण अधिकतम 100 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया था। शेष DRDO अधिकारियों ने इस परीक्षण को बड़ी सफलता बताया। DRDO के सूत्रों ने कहा कि ऑन बोर्ड नेविगेशन सिस्टम द्वारा निर्देशित गुरुथमा को 100 किलोमीटर के लिए ग्लाइडिंग के बाद लक्ष्य मारने में अपनी घटना का आकलन करने के लिए थार रेगिस्तान में परीक्षणों के पहले चरण के लिए परीक्षण किया गया था। बता दें, स्मार्ट ग्लाइड बम एक मानवीकृत मध्यम रेंज सटीक निर्देशित हथियार के लिए प्रयोग किया जाएगा। ये बम भारतीय वायुसेना के लिए बहुत उपयोगी है। ये लड़ाकू विमानों को सहूलियत देगा कि वो खतरे वाले इलाकों में जाएं और बगैर अपने लक्ष्य को तबाह कर सके। स्मार्ट ग्लाइड बम के आने से लड़ाकू विमानों की उम्र बढ़ जाएगी, क्योंकि विमान को नुकसान की संभावना कम होगी और लक्ष्य पर सटीक वार से आसपास के नुकसान को भी कम किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो भारत तक को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए।